मैं अगर मां बनू तो बेटा मेरा यही बने। बेटे नहीं, बिल्कुल मेरे भाई की तरह। अच्छा, कुछ लोग ऐसे थे कि जो हमें दिन रात गाली दे रहे हैं, कभी बदतमीजी बोल रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। सैंडी ने तो अभी कल मेरी बात हो रही थी, मन खुश कर दिया उसने। वो हम सारी चीजें हम करण की शादी में करना चाहते हैं, करण की शादी को बढ़िया ग्रैंड तरीके से करने की। कम से कम ये इनके कितने लाखों के चश्मे ही चश्मा। उतारता हूँ फिर चला जाता हूँ। जहाज जहाज रहो। अब मैं डॉक्टर के पास जाऊंगी टाइम निकाल के, एक घंटे में। तो मैंने कर ली पूजा। पूजा मैंने पहले ही बहुत पहले कर चुकी हूँ, जो भी मेरे को करनी होती है। मैं सिर्फ आरती देना, क्योंकि मेरे बाद आ गया विकी पूजा करना। तो विकी ने पूजा करी, फिर मैंने कहा चलो मैं आरती बाद में दे देती हूँ। तो लीजिए सभी को आरती, सारी इच्छाएं सारी मनोकामना आपकी पूरे करें भगवान जी। आप बहुत ही ऊंचाइयां छुए हैं, बहुत ऊंचाइयों पे पहुंचे, और ऐसा माता रानी का सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद है। और मेरी तरफ से भी ऐसी प्रार्थना करती हूँ मैं सब लोगों के लिए। और अब मैं अभी ऑफिस जाने वाला हूँ, और मैं आज आपको एक चीज बताऊँ, ये मार्च जो का महीना जो होता है ना, हमारा बहुत टफ होता है। इसमें बहुत काम होता है, पूरे साल का करना पड़ता है। लेकिन इस बार मुझे बहुत टफ लग रहा था, लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि इस बार मेरी इस मार्च को ना बड़ा आसान बना दिया रिकी ने। जैसे भम्मू की बहुत सारी भाई, इसकी तबीयत भी खराब थी सारी थी, बहुत सपोर्ट भम्मू को, जो मुझे टाइम देना चाहिए था ये पूरा ध्यान रखता है। सैंडी भी पूरा ध्यान रखती है, करण पूरा ध्यान रखता है, और मेरे बिजनेस में करण भी दिन रात एक लगा हुआ है। और यश को भी जहां भी इसको भेजता हूं ना, ये चला जाता है। सच में मतलब मेरी लाइफ में जितनी भी आने वाली बहुत सारी जो परेशानियां थी, जो बहुत सारी कठिनाइयां थी, वो इन दोनों ने, इसने और करण ने, दोनों ने मेरी बहुत शॉर्ट आउट किया। मतलब मेरे कंधे से कंधे मिलाकर, बेटे नहीं बिल्कुल मेरे भाई की तरह से है। मेरे ऐसा लगता है जैसे मेरे छोटे भाई। हम नहीं मिलाएंगे, कौन मिलाएगा है? हम नहीं मिलाएंगे तो और कौन मिलाएगा। हाँ वो है ना। और देखो अच्छी चीज क्या है कि भम्मू की जब पैर में चोट लगी, ऑपरेशन हुआ इनके, ऑपरेशन हुआ तो भम्मू के ब्लॉक, जैसे कि भम्मू के ये भी ब्लॉक बनाएंगे, वो भी बनाएंगे भम्मू के, तो ये रिकी ने अपने ब्लॉक बनाने बंद कर दिए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा ये भम्मू के ब्लॉक बनाने में हेल्प कर सके। और अभी एक बहुत बड़ी चीज मुझे सैंडी की, एक बड़ी मन को, मैंने बड़ी बताई ना इसने बताई मुझे, मेरे दिल को छू गई। वहां जब मुंबई गए थे तो वहां जो चैनल के नाम लिख रहे थे, तो उसने अपने चैनल का सैंडी कैंडी नाम नहीं लिखा, उसने भम्मू की दुनिया लिखा। कोई और ब्लॉगर होता तो सबसे पहले अपना नाम लेता, तो भाई सबकी इच्छा, तो मैं भी होता तो मैं भी अपना लिखता शायद, लेकिन उसने भम्मू की दुनिया लिखा। मतलब तो बड़ी चीज है ये अपने और आप। इन लोगों ने नोटिस भी किया है, लोग बोल रहे हैं उसकी तारीफ कर रहे हैं इस चीज के लिए कि देखो सैंडी को, देखो कि सैंडी ने सबसे पहले भम्मू का नाम लिखा है, वो लोग भी देख रहे हैं। नहीं और एक चीज है बिजनेस में, अभी मेरा अभी नए नए हमने 4-5 बिजनेस शुरू किए हैं। पहले क्या है कि मैं नए बिजनेस करने में थोड़ा सा मैं कहता हूँ कि मुझे घबराहट हिचकिचाहट होती थी। मैं सोचता था अकेला कितनी मेहनत करूंगा, आप लोग देखते होंगे मैं रोज फ्लाइट में कभी कहीं जा रहा हूँ कभी कहीं जा रहा हूँ, तो नई चीजें मैं शुरू तो करूँ, करना भी चाहता हूँ, व्यवस्था भी है, साधन संसाधन भी है, लेकिन मैं सोचता था मेरी व्यस्तता बढ़ जाएगी। लेकिन अभी मेरे 3-4 कामों को पूरी तरह से करण ने अपने हाथ में ले लिया है, और करण की छोड़ो सैंडी बहुत टाइम दे रही है, और सैंडी बहुत समझदार है। सैंडी भी देखो एजुकेटेड तो है ही, लेकिन समझदार भी बहुत है, और हर चीज को हैंडल करना जानती है। अभी जैसे यहाँ नए दो तीन काम जो यहाँ शुरू हो रहे हैं, और इवन उसने तो, सैंडी ने तो अभी कल मेरी बात हो रही थी, मन खुश कर दिया उसने, भाई आपको कितने काम करने, करो मैं करण और यश है ना, हम दिन रात एक कर देंगे आपके लिए, आप जिस चीज को करो। क्योंकि मेरी देखो बिजनेस में शुरू से मेरी बहुत असीमित इच्छाएं हैं, मेरी बहुत कुछ करने की इच्छाएं हैं, लेकिन ये हमको बिठा ला और मतलब और दिन रात एक कर दी इसने मेरे लिए। सच में भाई मैं थाईलैंड से आई इसलिए था, थोड़ा मम्मी को सपोर्ट करने वाले, मैं तो सीधा लंदन जा रहा था, ये तो जा ही रहा, मेरी बुकिंग हो रही थी। और आपको अरे और आप आज आपको एक चीज बताता हूँ, इसकी लंदन में बुकिंग हो गई थी, इसने 5 लाख रुपए वहां कमरे के जमा कर दिए थे, लेकिन इसने हमें, मम्मी का ऑपरेशन हुआ और मुझे परेशानी का, बीच में कुछ परिस्थितियां भी ऐसी चली थी जिनकी वजह से हम लोग बड़े परेशान से हो रहे थे, उसके लिए इसने वहां अपना जाना कैंसिल कर दिया। और वो जो 5 लाख रुपए इसने जमा किए थे वो नॉन रिफंडेबल थे, वो सारे रूम के इसके नॉन रिफंडेबल, यूं ही खर्च मतलब खत्म हो गए और ये गया नहीं, मतलब बिना जाए, बिना उस रूम में जाए और बिना उस रूम को देखे भी इसने के 5 लाख रुपए खत्म हो गए। तो ये बड़ी चीज है ये। और जबकि पता है इसने कब करें, इससे उस चीज का जुनून है, जुनून की चीज इसने एकदम अपने मतलब हमारे लिए खत्म कर दी। अच्छा, कुछ लोग ऐसे थे कि जो हमें दिन रात गाली दे रहे हैं, कभी बदतमीजी बोल रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। अगर रिकी नहीं होता, रिकी चला गया होता, क्योंकि अगर चला गया होता तो अपनी प्रैक्टिस में उसमें रहता, कम ज्यादा देखता, लेकिन इसने सारी चीज सामने होते हुए देखी है, और इसने वो चीजें हमसे हटा के खुद नहीं हैंडल करी है।
तो मतलब ऐसा बच्चा एकदम सामने नहीं आता, लगता है कि चलो कर लेंगे जो भी है। अगर वो चीजें रिकी नहीं होता और वो चीजें हमारे साथ हो रही होती ना, मैं तो कब की इतनी बड़ी हालत मेरी खराब हो गई होती। मेरे कोई मतलब मेरे माँ बाप तक कैसे पहुंच जाएगा, कैसे उन्हें कुछ बोल देगा, मेरी क्या हालत हो जाती बताइए। तू ना होता तो तुझे पता है मैं पूरा पूरा दिन पड़ी रहना, ये रहना, बचपन में जब छोटे थे हमारी लड़ाई होती थी तो आप लोग जाते थे, अब हमारी बारी है। अब रोल चेंज हो गए, अभी भी मैं जाने वाला हूँ 2-3 दिन में बाहर, तो कभी कोई दिक्कत आए बस एक फोन कर देना, यही आ जाऊंगा। और मैं तो चाहूंगी जैसे मैंने रिकी के ऊपर एक रील बनाई ना, जैसे तो कह रहा मम्मी मैं अगले जन्म में तुम्हारा बेटा, वो तो एक रील कहा, सच में मैं चाहूंगी सच में मेरा ये अगले जन्म में भी मैं अगर मैं बनू तो बेटा मेरा यही बने। मैं ये नहीं कह रहा, मैं किसी की बुराई और किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो सामने है जो मेरे पास रह रहे हैं मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। अब कोई कह मैं तीसरे चौथे में कहने, बस जो मेरे सामने मेरे पास रह रहे दिन रात रह रहे हैं, मैं उन्हीं की जो मेरे फेस सामने है मैं इसकी बात कर रहा हूँ। लेकिन सच में यार, और मैं बस मेरी जिंदगी बेटा तुमने तेरे करण ने जितना हमारा साथ दिया और जितना तुम मेरा दिन रात मेरे साथ में खड़े हो सकते, और मैंने तुम्हारे साथ नहीं आया, बस फर्ज निभाया और कुछ नहीं करा। नहीं बेटा फर्ज तो खैर देखो फर्ज तो बहुत लोग निभाते हैं सबसे, लेकिन तुमने फर्ज बेटा खड़ा नहीं हो तो कौन खड़ा हुआ, पड़ोसी आएगा कि आपके लड़के से भी बहुत ज्यादा बेटा बहुत ज्यादा किया मतलब उस समय मैं ऐसी ऐसी। और रिकी को भी लोगों ने इतना बुरा भला बोला था, इसमें तमीज ना बोले कि ये वो मतलब देखो हमें बोल रही, लेकिन ये खड़ा रहा बिल्कुल लड़का। देखो इसने इसके लिए करण के लिए सैंडी के लिए लोगों ने कितनी कितनी, लेकिन इन्होंने हमारी वजह से ना इनको इतना क्रिटिसाइज किया, इन्होंने सब कुछ बर्दाश्त किया केवल बिकॉज ऑफ बस हमारी वजह से। देखो बच्चे हों बिल्कुल सही में ऐसे हों, और अब हमारी जो प्लानिंग चल रही है अभी हम पंडित जी से वो शुभ मुहूर्त वगैरह हम करण की और सैंडी की शादी के लिए निकल रहे हैं, क्योंकि अब हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी और हम ये चाह रहे हैं कि जैसे पहले भी की तो हम कर सकते थे, जो हमें आइडिया बाद में नजर आए थे ना बाद में यार ये भी कर सकते हैं, वो हम सारी चीजें हम करण की शादी में करना चाहते हैं, क्योंकि हमारी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बहुत बड़ी इच्छा है करण की शादी को बढ़िया ग्रैंड तरीके से करने की। क्योंकि डे टू गुड मॉर्निंग भम्मू की तरफ से और भम्मू की दुनिया की तरफ से गुड मॉर्निंग करो। गुड मॉर्निंग, और मैं चला मुंबई, ये टूर पर ही रहे पूरे दिन चल दिए। तो बहुत लोग कहेंगे भाई भाई कभी जहाज में से उतरते भी हो या ना, पर क्या करूं उतरता हूँ फिर चढ़ जाता हूँ, जहाज रहो। मैं चश्मा वही मांग रहा। अच्छा, और देखो मुझसे पहले इन्होंने ही पूजा कर दिया, दीपक जला दिया, पूजा कर दी और चले, क्योंकि मैं भी ना भेज के फिर थोड़ी देर अपना बैठूंगी फिर उसके बाद नहाऊंगी, चश्मा कर रहे हैं चेंज। ये कम से कम 20 चश्मा ले आए हैं, कम से कम ये इनके जो कितने लाखों के चश्मे ही चश्मा, पर फेवरेट एक ही है, पता ना क्यों लाओ क्यों हो, सारे चश्मे में सीरो को बेक के सीरो को चूस्टिक ले आऊंगी। सीरो देख ले यार, सीरो को तेरे लिए ही ले आऊंगी सारे चूस्टिक। कल ही ये DLF से 2 चश्मे नए बन के आए हैं, पर नहीं फेल कर दिए, पुराना ही फिर लगा लिया। क्या बात है, ऐसा मुझे जल्दी हो रही है, मेरी फ्लाइट है, लेकिन वैसे बहुत ज्यादा जल्दी इसलिए नहीं है कि मेरी बिजनेस क्लास की फ्लाइट है, तो बिजनेस क्लास में थोड़ा सा टाइम पहले भी पहुंच जाते हैं ना, तो भी आराम से उसमें भीड़ नहीं होती, बिजनेस क्लास के अलग बिल्कुल वो पीछे की। अच्छा, बिजनेस क्लास में तो फटाफट मिल जाता, आप बहुत है तुम्हें, नहीं फिर भी यार रास्ते में जाम लग सकता है ना, वही तो बिजनेस क्लास है, लेकिन रास्ते में जाम के लिए कौन सा बिजनेस क्लास। ठीक है चलो, सीरो को तो बुलाओ, सीरो सीरो आओ जल्दी, सीरो को बुलाया नहीं जाएगा तो सीरो आएगा नहीं, सीरो हमारा ऐसा है, मैं छोड़ने जा रही हूँ। चलो अभी ये मुझे छोड़ने चली, मुझे ना बुलाया, आजा भाई आजा, नौते के बिना नहीं आ सकता। जय हो जी, मैं थोड़ी जा रही हूँ। हाँ हाँ, सीरो सीरो देखो, मुझे सीरो मैं घुमाऊंगा तुझे। चलो चलो चलो, बाय 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 बाय, जय श्री राम, जय हनुमान। ये बनती है कढ़ी, नमक बाद में जाएगा, ये हल्दी, मिर्च, धनिया और थोड़ी सी हींग, थोड़ी हींग जाएगी तड़के में बाद में, बहुत सही बनना है। चलो ये हो गया रेडी, आ जाओ इधर, मैं बनाने जा रही हूँ सिंपल वाली कढ़ी। ये देखो ये जीरा, मेथी, ये लाल मिर्च अच्छी लगती है इसमें, और लहसुन, और ये जाएगी इसमें थोड़ी सी हींग, क्योंकि हींग मैंने पहले डाल चुकी हूँ। और ये देखिए मेरा, अंदर से मैंने ये वीडियो के लिए पहना,
इसमें मोटी भी कितनी लग रही हूँ, ऐसे मैंने सुना बहुत मोटे लगते अच्छे भी लगते हैं। और देखो ये जाएगी इसमें बूंदी भी जाएगी, अभी मैं बूंदी लास्ट में डालूंगी, ये थोड़ी सी हरी मिर्च। आपने बूंदी वाला रायता खाया होगा, अब बूंदी को कड़ी आप भी ट्राई करना एक बारी, बहुत अच्छी लगती है, जल्दी बन जाती है, ईजी बहुत है, वरना पकौड़े वकौड़े बनाने में बहुत टाइम लग जाता है और हैवी भी बहुत हो जाते हैं। देखो ये हमारी कढ़ी बनके बन चुकी है, ये रेडी हो गई और अब इसमें लास्ट में जाएगी बूंदी। बूंदी वाली कढ़ी बहुत ही टेस्टी रहती है, ऐसे बना के खा सकते हैं, एक बार देखना, ट्राई जरूर करना और कमेंट्स भी करना। गर्मी में हम आए जैसे तैसे मैं तो टाइम निकाल के आई कि धूप शाम को और भी ज्यादा धूप हो जाती है, गर्मी लगने लगती है, देखो कपड़े भी कम यही है। छोटू कहीं नंबर लगेगा बाद में, छोटू अब अपना पान ले जा, अब हर जगह पोपट हो के आ रहा है, बेकार ही सर मतलब गौर हो गया, देखते ही सारी चीजें में दिखा दो, सारी चीजें दिखा दो भैया, बच्ची के लिए चाहिए। मेरी जो भतीजी की बेटी है छोटी सी है, 10-8-10 साल की, 12 साल की होगी शायद, तो उसे सारा मेकअप चाहिए और उसके मामा की शादी है, तो मेरे को सारी चीजें चाहिए और बुआ ला कर मतलब मुझे भी बुआ करती है, उसकी माँ की बुआ तो ये ले लिया मैंने राधिका के लिए सारी चीजें, राधिका भी खेगी तो खुश हो जाएगी, तो बुआ मेरे लिए बहुत सारे सामान ले आई। और भाई ब्लॉग पसंद आ रहा है तो कमेंट्स करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप भूल रहे हो ब्लॉग तो देखते हो। अच्छा एक काम करा करो, आप ब्लॉग देखने से पहले लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो और शेयर भी कर दो।